पछतावा। मुझे अक्सर बहुत से मामलात निपटाने होते हैं, अक्सर ज़रूरी चीज़ें रह जाती हैं। एक साथ बहुत सारी चीज़ें संभालने का तरीका बता दें। तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ वक्त है, इसे इज्जत दो। इसे ज़ाया कर दिया तो बिस्तरे मर्ग पर पछताओगे। ज़िंदगी के मामलात में अपनी तरजीहात तय कर लो, कुछ फैसले कर लो, लिख कर रख लो कि क्या चाहते हो और किस मैदान में कितनी नशोनुमा चाहते हो, कितनी पेशावराना तरक्की करना चाहते हो, बाकायदा तालीम कितनी हासिल करना चाहते हो, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और बाकी सारे मामलात। हर मामलात में इसी हिसाब से मेहनत करो। जितना हासिल करने की ज़रूरत है इतना ही जोर लगाओ। ये ना हो कि ऑफिस फतह करने के बाद जब घर की तरफ तवज्जो दो तो सब कुछ लुट चुका हो। तुम्हारे घर वालों का तुम्हारे वक्त पर हक है, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे वक्त पर हक है। जब इन सारी चीज़ों का तायुन कर लो तो इसके बाद हर वो चीज़ जो अपने मकासद से तुम्हारी तवज्जो थोड़ी सी भी हटाती हो उसे प्यार से इनकार करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन को ना करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। फालतू कामों से बचना तुम्हारी बका के लिए ज़रूरी है। बाज़ चीज़ों को इनकार नहीं कर सकते तो अहम चीज़ों को अहमियत देना और पहले करना सीख लो। कोई भी काम इसलिए ना करो कि सब कर रहे हैं एक वक्त में एक चीज़ पर तवज्जो। सोचने और याद रखने के लिए कागज़ का इस्तेमाल, ताकि तुम्हारा जहन मामलात का तज्जिया कर सके और अपने वक्त के इस्तेमाल का हिसाब किताब। जिस चीज़ का तुम हिसाब नहीं रख सकते उसे कभी मैनेज भी नहीं कर सकोगे। इंसान का आखिरी पछतावा वक्त के ज़ियाँ का पछतावा होता है।